स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे UPS के बारे में और लाइन इंटरेक्टिव UPS। बेसिकली जो UPS आप खरीदते हो मार्केट में वो यही होता है, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो UPS का काम बहुत सीधा साधा होता है कि भैया पावर कट जाए तो आपका कंप्यूटर तुरंत बंद ना हो जाए ताकि डेटा करप्ट ना हो, इसलिए हम लोग UPS लगाते हैं। UPS का काम बस ये है कि वो इतना पावर दे दे, या तो आप जनरेटर में शिफ्ट कर लो या तो आप सेफ शट डाउन कर दो। UPS का काम बस वही है, इसलिए UPS जनरली बहुत छोटे देर के लिए बनाया जाता है, जैसे कि 5-10 मिनट हुआ या 20 मिनट हुआ। ये बनाया ही नहीं गया है कि मतलब आप 6-7 घंटे तक आप इस पर चलो। तो इसका काम बस ये है कि अगर लाइन कट गया आप अपना फाइल सेव कर लो, शट डाउन कर लो और सेफ रहो। या मतलब आपको पता है कि जनरेटर चलाने में 1-2 मिनट लगता है, या आपका ऑटो स्टार्ट जनरेटर है उसको भी चालू होने में एटलीस्ट 40-50 सेकंड लग जाता है, तो उस दरमियान के लिए ये आपका कंप्यूटर चलाएगा। तो ये अपनी बिजली जो है, जो एनर्जी ये स्टोर करता है, वो ये बैटरी में स्टोर करता है, जो कि जनरली छोट नॉर्मल UPS के लिए अंदर ही लगाए रहते हैं। बैटरी जैसे आपका इन्वर्टर में बैटरी बाहर होता है, इसमें अंदर होता है। और जनरली दो साइज़ के बैटरी आते हैं, 7 amp पावर की और 9 amp पावर की, दोनों जनरली 12 वोल्ट के रहते हैं। और डिपेंड करता है आप कितना बड़ा लेते हो, तो उस पर कोई कोई UPS में एक बैटरी होगा, कोई कोई में 2 बैटरी होगा, किसी किसी में 4 भी आता है। तो इसका काम बस इतना है कि ये सब बैटरी सिर्फ इसलिए दी गई है कि आप लोड संभाल सके। मतलब इसका काम नहीं है कि लाइन चला गया आप आराम से 2-3 घंटे इस पर काम करो, ये इसका काम नहीं है। लैपटॉप चला रहे तो शायद कर ले। और ये एक एक सॉर्ट का बैरियर बना देता है कि भैया पावर आ रहा है जा रहा है, उससे आपका मेन सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसकी टोपोलॉजी समझते हैं, मतलब ये एक्चुअली काम कैसे करता है। बहुत सीधा सीधा है, बस ये समझिए इसके अंदर एक स्टेबलाइजर डाला गया है। ये इन्वर्टर और इसमें जमीन आसमान का अंतर यहीं से आता है। इन्वर्टर में मान लीजिए अगर आपका कम वोल्ट आ रहा है तो वो कम वोल्ट बाहर निकल जाता है, मतलब आप जो भी चीज़ इन्वर्टर से जोड़े हो उसमें भी वो कम वोल्ट जा रहा है। ये वैसा नहीं करता है, ये क्या करेगा कि कट कर देगा। जैसे मान लीजिए ये 120 वोल्ट का सर्किट डायग्राम है, आपको कुछ उसमें टेंशन नहीं लगा, बस ये समझिए 120 चाहिए और आपका ऐसा हो गया कि 130 वोल्ट आने लगा, तो कंप्यूटर ये करेगा क्या कि डिस्कनेक्ट कर देगा आपका आउटलाइन को और बैटरी से आपका कंप्यूटर चलाएगा। उस दरमियान ये ऑटो स्टेप ट्रांसफार्मर जो है उसको हाई वोल्टेज मोड में डाल देगा ताकि लो वोल्टेज आउटपुट आए, मतलब ये स्टेबलाइज करेगा। तो आप लोग जो भी ऑटो सेलेक्ट स्टेबलाइजर देखते होंगे वो चेंज होने में टाइम लेता है, घट 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 आप आवाज़ भी सुनते होंगे। तो ये टाइम आपका सीधे उधर वो ना हो जाए कि मतलब वोल्टेज अप डाउन हो रहा है उसके चक्कर में आपका कंप्यूटर बार बार बंद हो रहा है, क्योंकि ये ऑटो ट्रांस है, इसलिए उस दरमियान जिस टाइम आपका वोल्टेज अप डाउन चेंज किया जा रहा है उस टाइम ये काट देता है कनेक्शन को और बैटरी से चलाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये UPS जो है कभी भी चालू नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए इन्वर्टर आप ऑफ भी कर दो, उसका ऑफ का सीधा यही मतलब होता है कि लाइन भागा तो कुछ इन्वर्टर चालू नहीं होगा। इसमें ऑफ अगर आप कर दिए हो तो वो कुछ आने ही नहीं देगा करंट, भले आपका मेन करंट आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। ये इसलिए किया जाता है कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। बेसिकली समझिए इसमें बहुत अच्छा सा स्टेबलाइजर दिया जाता है, अच्छे कंपनी वाले में बहुत अच्छा दिया जाता है। तो ये एक रेंज का आपको एक फ्लक्चुएशन रेंज का एक सेटिंग देता है। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल में दिखाया गया है 120 का रेंज, मतलब 120 इसको जनरली चाहिए, तो 100 वोल्ट का वोल्टेज को ये उठा सकता है और 140 वोल्ट का वोल्टेज को ड्रॉप कर सकता है। आप अगर UPS के मैनुअल को पढ़िएगा उसमें लिखा रहता है कि ये किस वोल्टेज तक हैंडल कर सकता है। जैसे माइक्रोटेक के कुछ कुछ हैं जो 300 वोल्ट अपसाइड में और 160 डाउन साइड तक हैंडल कर सकते हैं, लार्ज वोल्टेज रेंज जिसको कहा जाता है। लेकिन याद रखिए जितना बार भी ये चेंज कर रहा है वो उतनी बार आपका UPS बैटरी को इस्तेमाल कर रहा है। खट खट जो आवाज़ आता होगा जो वोल्टेज अप डाउन करता है वो इसी कारण से आ रहा है कि उसमें जो स्टेबलाइजर है वो काम कर रहा है। तो इसका फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। फ़ायदा, ये सबसे सस्ता UPS है, मतलब मैंने एक वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले बनाया ऑनलाइन UPS के बारे में जो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन UPS हद ही महंगा होता है और उसका ये फ़ायदा होता है कि उसका कोई भी फ्लक्चुएशन इधर से उधर नहीं करने देता, लेकिन वो इतना महंगा आता है। मतलब एक छोटा ऑनलाइन UPS जो कि सिर्फ आपको मान लीजिए एक LCD TV है, 4K का TV है, वो सब बचाने के लिए आप यूज़ करना चाहोगे, वो भी 30-35 हज़ार का आता है। ये सब 3-4 हज़ार के आते हैं, मतलब 6-7 हज़ार में तो आप तो अच्छे खासे APC के मिल जाएंगे और 10 हज़ार के अंदर आपको बाकायदा तगड़ा जिसके अंदर 2 बैटरी या 4 बैटरी वाला मिल जाएगा आपको। तो ये सस्ता है ताकि आप खरीद सको। मतलब मैंने कई बार अपने वीडियोस में ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ कितना भी अच्छा हो फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप खरीद नहीं सकते तो। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये फ्लक्चुएशन ट्रांसफ़र करता है,
तो फ्लक्चुएशन ट्रांसफर करने से ये हो जाता है कि मान लीजिए फ्लक्चुएशन पावर आ रहा है और आपका फ्लक्चुएशन आपके कंप्यूटर में जा रहा है, तो कंप्यूटर की पावर सप्लाई की एज कम हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर एक बार ओवरचार्ज होगा, एक बार अंडर डिस्चार्ज होगा, एक बार ओवर होगा, एक बार अंडर होगा, ये उसका एज डिग्रेड कर देता है। मतलब एक प्रॉपर ऑनलाइन यूपीएस से अगर आप कनेक्ट कर दिए हैं तो आपका पावर सप्लाई मान लीजिए 6 साल चलेगा, आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है तो वो 5 साल में बोल जाएगा, तो इसलिए लाइफ इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। और बेटर है कि मतलब अगर ऑफ मतलब ओवर वोल्ट से तो बचा ले रहा है, अंडर वोल्ट से बचा रहा, लेकिन ये स्विचिंग बहुत करता है, तो इसलिए ये फ्लक्चुएशन के मामले में अगर मान लीजिए आपका लाइन में बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा है जा रहा है, बहुत बार अब ऐसा हो रहा है और या तो बहुत वोल्टेज अप डाउन हो जा रहा है, तो ये शायद आपको उतना सेफ ना दे सके, लेकिन ये सस्ता है तो आप खरीद सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आजकल तो इन्वर्टर भी कहने लगा कि इन्वर्टर में यूपीएस है, तो ये एक थोड़ा सा मार्केटिंग घोटाला है, आपको इसके बारे में थोड़ा सतर्क होना होगा। इन्वर्टर में जनरली ये नहीं लगाया जाता है, स्टेबलाइजर नहीं होता है, जनरली बिल्ट इन स्टेबलाइजर कुछ कुछ इन्वर्टर में हो सकता है, वो बड़ा बड़े अक्षर में लिखा रहेगा कि वो पावर स्टेबलाइजेशन करके देता है, जनरली बहुत में नहीं होता है, चाहे वो साइन वेव ही क्यों ना हो। वो जनरली आप ऐसे सिंपल टेस्ट कर सकते हैं कि अगर इन्वर्टर आप ऑन किए तो पावर आ रहा है, ठीक है, ऑफ़ किए तो पावर अगर नहीं जा रहा है, तो ये ऑफ़ करने का सीधा मतलब इन्वर्टर में ये होता है कि भैया लाइन भागने पे हम नहीं चालू होंगे, लेकिन यूपीएस ऐसा नहीं करता, यूपीएस आपका सीधा सीधा बोलता है ऑफ़ कर दिया तो मतलब मेरे से पावर ही नहीं आएगा, मतलब जो भी आपका लाइन चालू हो या बंद हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टेबलाइजर अगर मान लीजिए आप पहले लगा ले रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, आपको इन्वर्टर से ही काम चल जाएगा। और यूपीएस जो इसमें बोल रहे हैं वो यूपीएस एक स्विच को सिस्टम को बोल रहे हैं जो कि 5 मिलीसेकंड के अंदर स्विच कर दे रहा है आपका, मतलब पावर कटा 5 मिलीसेकंड के अंदर आपका वापस पावर आ जाएगा। ये 5 मिलीसेकंड का जो टाइम है, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट लिख के कोई स्टॉपवॉच लेके नापा गया, जनरली 5 सेकंड नॉर्मल कंप्यूटर पावर सप्लाई हैंडल कर लेते हैं, 5 सेकंड के लिए उनके कैपेसिटर डिस्चार्ज होते रहते हैं और आराम से वापस कनेक्शन आ जाता है। और ये इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि मान लीजिए बहुत लाइन अप डाउन हो रहा है तो ये आपका सिस्टम को नुकसान कर देगा, क्योंकि एक तो सीधे सीधे बहुत बार अप डाउन कर रहा है और जितनी बार भी इसका लो वोल्टेज होगा वो सीधे ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे मान लीजिए 180 वोल्ट पे आपका इन्वर्टर में पावर आया तो वो आउटपुट में भी 180 वोल्ट देगा, वो उसको स्टेप अप नहीं करेगा। ये हमारे लिए बहुत भारी मुसीबत है, जैसे आप जहाँ पे भी रहते हो कि वोल्टेज तो सुभान अल्लाह ही रहती है, तो उस कारण से तो आपको समझना पड़ेगा। तो और आप देखते होंगे हर बड़े यूपीएस सब में लिखा रहता है, मतलब इन्वर्टर कम यूपीएस में लिखा रहेगा पीछे यूपीएस मोड ऑन और ऑफ। वो करते क्या है कि अगर वो डिटेक्ट किए कि वोल्टेज अप या डाउन ज़्यादा हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया, जैसे 220 है तो 230 के बाद या 190 के नीचे, ये एक रेंज उन्होंने दिया, ये आप मैनुअल में पढ़िए लिखा रहेगा, ये रेंज पे ये सीधे कट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, भैया बैटरी से चलो, हम मतलब रिस्क नहीं लेंगे आप पे ओवर वोल्ट या अंडर वोल्ट का, उससे आपका काफ़ी सामान बच जाएगा, अंडर वोल्ट ओवर वोल्टेज नहीं पास होगी। लेकिन एक साइड इफेक्ट ये होता है कि मान लीजिए जहाँ पर रह रहे हैं आप परमानेंटली लो वोल्टेज आ रही है या परमानेंटली हाई वोल्टेज आ रही है, तो आपका बैटरी तो सीधा सीधा डिस्चार्ज हो जाएगा कि मतलब वो तो चलेगा ही नहीं। और इसीलिए आप यूपीएस में ध्यान से पढ़िएगा, मैनुअल लिखा रहता है फॉर बेटर बैटरी लाइफ प्लीज़ कीप इट इन नॉर्मल मोड। तो ये समझ रहे, यूपीएस ये प्रॉपर यूपीएस नहीं है, और यूपीएस मोड में ये सिर्फ बैटरी को ही इस्तेमाल कर सकता है और कुछ कर रहे हैं तो इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है। तो आप अगर मान लीजिए आपके घर में ऐसा हो रहा है कि यार लाइन बहुत अप डाउन कर रहा है और आपने एक बड़ा सा इन्वर्टर कम यूपीएस ले लिया, साइन वेव ज़रूरी है इस काम के लिए, आपने साइन वेव लिया, अब उसको आप एक यूपीएस में डाल सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी पावर ऑन है, जब भी बिजली आ रही है घर में और अप डाउन हो रहा है तो वो आपका यूपीएस संभाल रहा है, लेकिन पावर कट हो गया तो ये संभाल रहा है। और इसकी बड़ी बैटरी बाहर से होती है, एक्सटर्नल होती है इसकी बैटरी, तो इसके लिए आप कोई भी साइज़ की बैटरी खरीद सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका पावर कट 1-2 घंटे का होता है, आप 100 एम पावर की बैटरी लो, जैसे यहाँ मैंने एक साइड के बैटरी दिखाए, खूब सारे आते हैं, 100 एम पावर की बैटरी ले लो, फिर आपको यार बैटरी तो बहुत लाइन भाग रहा है, 4-5 घंटे से ज़्यादा लाइन भाग रहा है, तो आप ये ले लीजिए 220 एम का। तो ये कर सकने के लिए आपको इन्वर्टर से बेटर ऑप्शन नहीं है, यूपीएस में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, ऑनलाइन यूपीएस में मिलेगा, लेकिन नॉर्मल यूपीएस में नहीं मिलता, उसमें बैटरी इंटरनल होती है। तो दोनों को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, कि मान लीजिए एक इन्वर्टर है और एक नॉर्मल यूपीएस है, दोनों यूज़ करें, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका यूपीएस जो है वो साइन वेव है। अगर साइन वेव नहीं है तो आपका सिस्टम की गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो इससे आपको बस ऐसा समझिए, स्टेबलाइजर प्लस बैटरी बैकअप इक्वल्स यूपीएस, बिना स्टेबलाइजर के इज इन्वर्टर। आप बस ऐसे ही समझिए, आपको कुछ और ज़्यादा नहीं सोचना है। और कोई भी अगर आपको इन्वर्टर बेच रहा है जो लिखा हुआ यूपीएस है, यूपीएस मोड का प्लीज़ वोल्टेज रेंज देख लीजिए, मतलब मैनुअल में लिखा रहता है, मैनुअल मांगिए आप दुकान वाले से और उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या घोटाला हो रहा है।
तो अगर मान लीजिए आपका पावर अप डाउन कभी कभार होता है, मान लीजिए शाम में एक दो बार हुआ या दिन में जब सुबह सब लोग सब मोटर चलाते हैं तब हुआ, तो ठीक है आप यूपीएस मोड में रखिए, वो मतलब जब आप पावर वापस पिकअप करेगा वो अपने चार्ज कर देगा, लेकिन ऑनली आप कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा हर टाइम आपका वोल्टेज कम रहता है तो आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देख के सीखने में कुछ मिला हो, समझ में कुछ आया हो और आप आगे डिसीजन लेने में आसानी होगी आपको। अगर वैसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए कि आप आगे एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे और घंटी ज़रूर बजाइए क्योंकि मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।